मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरा ये सोचने का तरीका है, हो सकता है गलत हो सही हो, लोग मुझे गलत ठहरा सकते हैं, बट मैं कभी ना कभी ऐसा सोचती हूँ कि हमने ना रेप को जिस तरह से लड़कियों के दिमाग में भरा है और लड़कों के दिमाग में भरा है, लड़कों के दिमाग में एक तरीका है कुछ बदला लेने जैसा है, जिसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमेशा नुकसान सामने वाले का ही होगा, वो इस नीयत से काम रहता है। और लड़कियों को भी इस तरह से समझाया जाता है कि अगर एक बार रेप हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरा जो हमेशा पहला मैसेज होता है कि कुछ नहीं बिगड़ा है, जो जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, सोसाइटी भी सजा दे, कानून भी सजा दे, पर उसको मिलनी चाहिए। वो जो मानसिक सजा जो हम लड़कियों को दे रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत तरीका है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको एक बार हाथ पकड़ के बोलना चाहिए कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एक एक्सीडेंट था, हो गया, बाहर निकलते हैं ना इससे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। हेल्थ शॉर्ट्स मिलेनियल का हेल्थ एंड वेलनेस का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। हम लेकर आए हैं शीसलेस अवार्ड। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में हम उन महिलाओं को नामित और पुरस्कृत करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेमिसाल काम किया है, अतुल्य योगदान दिया है। द वुमेन इन हेल्थ केयर कैटेगरी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि सिंह। नमस्कार डॉक्टर सुरभि, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। डॉक्टर सुरभि पिछले 18 सालों से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा इनका परिचय नहीं है। डॉक्टर सुरभि सोशल वर्क में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, बल्कि ऑर्गेनाइज करती हैं। 2014 की जम्मू कश्मीर की बाढ़ हो, या नेपाल का भूकंप हो, या चेन्नई की में आई हुई प्राकृतिक आपदा हो, डॉक्टर सुरभि दौड़ पड़ती हैं जहाँ कहीं भी स्त्रियों को स्वास्थ्य संबंधी मदद की ज़रूरत होती है। डॉक्टर सुरभि, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, तो आप ही से शुरू करते हैं कि आप थोड़ा सा, संभवतः मैंने उतना नहीं बताया जितना आपका परिचय है, आप थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में, आप क्या कर रही हैं, कब से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। जैसे नाम तो आप बता ही चुके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरठ में पली बड़ी हूँ और वहीं से MBBS भी किया है, MS मैंने गोरखपुर से किया है, और उसके बाद एक साल इधर उधर काम करने के बाद 2004 से दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। शायद इस मामले में थोड़ी सी जेनेटिकली डिफेक्टेड हूँ कि सोशल वर्क जब दिखता है तो मुझे लगता है कि शायद यही करने आई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो मेरा हमेशा से एक पैशन रहा है कि जब भी मुझे लगा है कि ज़रूरत है तो हमेशा से एक आवाज़ आती है अंदर से कि क्या इस चार दीवारी के अंदर बैठ के पेशेंट नेक्स्ट ये करने के लिए हूँ, या इसका इसके बियॉन्ड भी कुछ मेरी एजुकेशन या ये चीज़ें आगे काम आ सकती हैं। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे इशूज़ पे काम करने का मन होता था, लेकिन एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में मतलब पले बड़े होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा खुल के बातों पे, मतलब उन सब बातों पे बात करने के लिए। तो स्कूल्स में मैंने मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे काम शुरू किया, तो शुरुआती दौर में तो खुद को भी एक हिचक होती थी, हालांकि मेडिकल में पढ़ने के बाद पेशेंट्स के साथ बात करना और आम जनता के बीच में बात करना, दोनों के बीच में एक मतलब अलग हो जाते हो आप जाके। तो जब जाके प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को सब आता है, लड़कियां सब सीख जाती हैं, समय के साथ सब पता चल जाता है, तो मुझे लगा नहीं पता चलता। हम अगर आज भी देखें तो मुझे अगर अपने अधिकारों के बारे में जानना होता है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन सबका राइट है वो भी हमें एक लॉयर से पता करने पड़ते हैं कि मैं, तो एक डॉक्टर के पास ही क्यों जाना पड़े कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो एक हमेशा ये तो सबका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी हूँ तो मुझे लगता था कि सोसाइटी ने मुझे बहुत है, तो अगर मेरी जिम्मेदारी आती है तो मुझे भी तो देना है ना, मतलब वो नहीं जानते तो कौन बताएगा उनको, डॉक्टर ही तो बताएंगे, और हम ही उस हर चीज की फीस लेते रहेंगे तो कभी इनको पता चलेगा ही नहीं, तो फिर एक बड़ा अजीब सा साइकिल चल रहा है। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत और निकाली और घर में बोला कि भाई मैं अब प्रैक्टिस में मन नहीं लगता है, मेरे को तो कुछ और करना है। तो शुरू में कुछ सबको थोड़ा वियर्ड लगता है, मम्मी खासकर अब की मम्मी थोड़ा सा लगता है ना कि ये क्या कर गई, पागल हो गए हो क्या, अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ रही हो 15 साल से, अब तुम ये करने क्या लग रही हो। वो धीरे धीरे मनाते फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं मुझे यही करना है, और मैंने फिर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे काम शुरू किया, सच्ची सहेली नाम से एक NGO बनाई,
और अब तो लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब मैं शायद एकदम करते करते एकदम फेमिनिस्ट ही हो गई हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ ऐसी लगती है ना कि अगर इससे किसी महिला, मतलब पता नहीं कि मुझे हर चीज़ में लगता है बस इसमें किसी लड़की के साथ बुरा तो नहीं हो रहा है ना, इसमें किसी लड़की के साथ बुरा तो नहीं हो रहा है ना, मैं उसकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और मेरे पास एक ही हथियार है नॉलेज। तो मैं चाहती हूँ कि इस नॉलेज से ज़्यादा लोगों को ये वेपन मैं दे पाऊँ, ताकि जैसे मैं आज कॉन्फिडेंटली लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ, मतलब अपनी नॉलेज से लोगों को बता पाती हूँ कि जो आप ये बोल रहे हो गलत है, मैं ये सब मानूंगी या नहीं मानूंगी, वो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव जो बातें हैं वो लड़कियों के लिए बोली जाती हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली, तो मैं चाहती हूँ कि ये हथियार सबके पास आ जाए और सब इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि खड़ी हो जाएं अपने लिए कि नहीं नहीं सुनाएंगे तुम्हारी ये सब बातें, हम जो ठीक है वो करेंगे। तो वो एक लड़ाई चलती रहती है अंदर, और उसी को, वही मेरी ड्राइविंग फोर्स है जिसको लेकर मैं दौड़ती रहती हूँ सारा दिन। डॉक्टर सुरभि, आप मेरठ से हैं, गोरखपुर से आपने पढ़ाई की है, और अभी बातों बातों में आपने बताया कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, रही हैं आप, तो सुरभि से डॉक्टर सुरभि बनने तक की यात्रा आपकी कैसी थी, किस तरह के सोशल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? तो जैसे देखा जाए ना कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी, गांव से निकला हुआ पहला परिवार था, तो हर चीज़ में एक नज़रिया रखा जाता था कि ये बात अगर गांव पहुंचेगी तो लोग क्या कहेंगे, स्कर्ट पहननी है कि नहीं पहननी है, जीन्स पहननी है कि नहीं पहननी है। इवन जब मुझे 8th क्लास के बाद साइंस साइड लेने का था, तो भी घर में एक पंचायत बैठी कि लड़की को साइंस साइड दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए। तो मेरी मम्मी इस मामले में थोड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने, उनको लगता था कि वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट रही कि उनको जब मौके नहीं मिले तो, मतलब वो मुझे रात में, बेटा बहुत बड़ी मुश्किल से लड़ाई करके तेरे को साइंस दिलाई, बस फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो मेरी इज्जत रह जाए। तो ऐसा लगता था जैसे मैं लड़की हूँ और मैंने साइंस ले ली, तो मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे दिखाना पड़ेगा, ये हो जाए तो वो हो जाए तो फिर ऐसे करते करते मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ी सेव बढ़ गई क्योंकि हमारे परिवार में कोई ऐसा था नहीं तब तक कि जिसका हुआ था, मतलब मेरी जनरेशन में मैं पहली थी जिसने कोई कॉम्पिटिशन क्रैक करके, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन क्रैक किया जो लोग सोचते थे हो जाए। तो उसके बाद घर में थोड़ी सी सेव बढ़ गई, हाँ भाई अब ये लड़की है और एक कहना चाहिए जो झंडा उठा चुकी है ये कि कुछ तो करेगी, तो लोग सुनने लगे। तो उससे पहले तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहता था कि ये करना है और ये नहीं करना। इवन अभी भी जैसे क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा बोल्ड भी ज़्यादा हो गई हूँ। अभी एक साल पहले क्या हुआ कि मैंने कहीं पढ़ा कि कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई संस्था है जो हेयर डोनेशन के लिए करती है, तो उसमें कम से कम 12 इंचेस हेयर होने चाहिए। तो मैं ना तब से मैंने मन बनाया कि यार तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मुझे लगा यार वो बड़ा ख़राब लगता है। तो मैंने अपने बर्थडे के दिन, इससे 2 दिन पहले, अपना हेयर शेव करा ली और मैंने अपने फैमिली ग्रुप में डाल दिया कि मैंने अपने बाल शेव करा के, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के, आई एम डोनेटिंग माय हेयर, मतलब जो एक तूफान उठाना कि पाक, मतलब उनको सबसे ज़्यादा इसका लग रहा था कि लोग देखेंगे, और ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछे थे, इसका आदमी ठीक है, इसका पति ठीक है, सिर क्यों मुंडवा के बैठ गई है। तो वो सारे चैलेंजेस हमेशा से रहे, छोटे बड़े किसी भी तरह के। जब मैं कश्मीर गई तो मैं वापस आई 8 दिन बाद, मेरा तो फ़ोन चल नहीं रहा था वहाँ पे, तो कभी कभी BSNL के नंबर से बात हो जाती थी, तो ये पता चला कि मेरे फादर इन लोग थोड़े नाराज़ हैं। जब मैं वापस आई तो मेरा सामान घर के बाहर रखा हुआ था, उनको ये गुस्सा आया कि बिना, मतलब ये क्यों गई घर भी, उनके हिसाब से तो उन्हें एक बहू लेकर आए थे जो घर का ध्यान रखेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, क्लिनिक चलाएगी, और वो सब कुछ छोड़ के और चली गई कश्मीर, जिसको उनको लगा कि शायद पार्टीशन झेले वाले लोगों को कश्मीर के लिए करना उतना अच्छा भी नहीं लगता होगा आई थिंक, क्योंकि वो उस टाइम के थे। तो उन्होंने बोल दिया कि आज इसको तय करना पड़ेगा कि सोशल वर्क करेगी या घर में रहेगी। तो मतलब बिल्कुल ऐसे, और मेरे मम्मी पापा एक तरफ बैठे हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो गई, समझ जाइए। मेरे पड़ोसी दोस्त जो है वो सब एक तरफ बैठे हुए हैं, पर पापा एकदम जिद में अड़े हुए थे कि नहीं, ये घर में तो नहीं रह सकती है। पर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बहुत समझाया, वो हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है, और पापा ने इतना शोर मचा दिया था कि उनको एंजाइना का अटैक आ गया था, और उन्होंने सारा वो ब्लेम की इसकी वजह से हुआ, ये तो इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसे किया। बट फिर क्या, मेरे हस्बैंड ने बहुत काउंसलिंग की, उनको बोला कि ये बहुत सीवियर अटैक था और शायद आपको कुछ हो जाता अगर ये सेल्फलेस सर्विस जो सुरभि कर रही है उसकी वजह से शायद आप ठीक हो, नहीं तो इतने में बहुत मुश्किल होता है बचाना। तब धीरे 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 जाके थोड़ा टाइम लगा, पर उन्होंने उस चीज़ों को अडेप्ट किया कि हाँ ये मतलब ठीक है, रह सकती है घर में। पर ये वाले चैलेंजेस मतलब आते हैं कि किसी भी लड़की को अपनी मर्जी से जीने देने की, मतलब बाउंड्री हमेशा आपको ये बोला जाएगा कि अरे हम तो बहुत खुली सोच के हैं और हम तो बिल्कुल, बट ये होता है कि वो इतना कर देते हैं कि आपकी बाउंड्री का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पर वो फ्री तो नहीं छोड़ा जाता है। मुझे याद आ रहा है कि किसी बड़े लेखक ने कहा था कि हर स्त्री एक खूंटे से बंधी है, बस रस्सी किसकी कितनी बड़ी है ये अलग अलग है। तो आपकी बात सुनकर मुझे खुद बहुत हैरानी हो रही है कि
आप सामाजिक स्तर पर कितना बेहतर काम कर रही हैं और निजी स्तर पर आपको कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे टैबूज हैं जिन पर आप काम कर रही हैं। और मुझे याद पड़ता है कि एक बार आपने लंगर शुरू किया था, वो महिलाएं खाना पका रही थी जिनको पीरियड्स आए हुए हैं। शायद किसी बड़ी शख्सियत ने ये बयान दिया था कि महावारी में जो महिलाएं खाना पकाती हैं उनका बनाया हुआ खाना खाने से आपको नरक मिलता है। अगर वो लड़कियां खाना पकाती हैं महावारी में रसोई घर में जाके, तो आप वो लड़कियां अगले जन्म में फीमेल डॉग बनती हैं, मतलब बिच बनती हैं। और अगर उनका पकाया हुआ खाना लड़के खाते हैं तो वो अगले जन्म में बैल यानी कि ऑक्स बनते हैं। तो ऐसा किसी ने बोला था, और इतने से भी नहीं, उनके बहुत सारे अनुयायी थे। तो उनका एक चलाया हुआ आश्रम था जिसमें महिलाओं का एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल में उसके बाद लड़कियों की चेकिंग होती थी, उनकी पैंटी चेक की जाती थी किचन में घुसने से पहले। वो इतना ह्यूमिलेटिंग था ना कि मतलब रात भर नींद नहीं आई कि यार ये कौन होते हैं बताने वाले। तो हम लोगों ने फिर एक डिसीज़न लिया कि हमने 20 मतलब हमने सब अपने ग्रुप्स में डाला जितनी महिलाएं थी उनके लिए, और मेड्स वगैरह को रास्ते में रोक के बोला कि आप ये करोगे हमारे लिए। तो हमने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और हमने एक खुला निमंत्रण दिया कि हम नहीं डरते हमारे नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड्स नेचुरल है, नॉर्मल है। तो हमें से बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई क्या कहेगा, इसका जवाब हम आज ही देंगे। हम खाना बनवाएंगे इनसे, और अगर आपको भी लगता है कि गलत बोला जा रहा है तो आप हमारा साथ दीजिए और आइए इसमें खाना खाइए। तो वो मतलब 3 दिन के अंदर ये सब हुआ था, और हम लोगों ने इसको इतना अच्छा मूवमेंट बना, महावारी भोज पीरियड फीस्ट नाम से हमने इसको रखा था। और बहुत सारे लोग आए थे इसमें खाना खाने, मतलब इतना अच्छा मुझे लगा था कि लोग सच में चाहते हैं कि बस हर कोई इस इंतजार में कि कोई शुरू करे। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के मिथ्स टूटे, इस तरह की भ्रांतियां टूटे, बट समझ नहीं आ पाते। तो कोई आइडिया किसी के दिमाग में आ जाते हैं तो लोग खुल के साथ देते हैं। और ये मतलब बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था जिसने मुझे भी बहुत मोरली बूस्ट किया कि सिर्फ सोचने भर की देर है, लोग हैं आपके साथ में खड़े होने के लिए। तो वो बाकी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो मुझे कभी कभी अभी भी गूज बम्स देता है कि हमने किया। सुरभि जी, आप दूर कस्बों में गाँव में भी जाती रहती हैं, वहाँ महिलाएं किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर या मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर? देखिए, अगर मैं बोलूँ मतलब ऐसे बोलूँ कि मैं दूर कस्बों में जाऊँ, मैं आदिवासी बस्तियों में भी गई, मैं स्लम्स में भी जाती हूँ, मैं बड़े अच्छे मतलब कहना चाहिए कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी मैंने बात की है, बट मेंस्ट्रुएशन को लेकर एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है चुप्पी कि इस पे बात नहीं करनी है, इसके बारे में खुल के डिस्कशन नहीं करना है। ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही मतलब जैसे लगता है कि एक महिलाओं के लिए श्राप है और ये तो आपको झेलना ही है, मतलब ऐसी फील के साथ हम बड़े होते हैं। और इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज रखते हैं कि अगर हमें कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, तो होगा ही, क्योंकि हम जैसे हम तो श्रापित ही पैदा हुए हैं, ये श्राप लेकर ही आए हैं। तो मेरा एक मतलब जो मैं नॉर्मली करती हूँ, मेरा एक तरीका है लोगों से बात करने का कि मैं किसी को नहीं कहती कि हम आप गलत हो मैं सही हूँ, मैं कभी नहीं बोलती। मैं सिर्फ एक 2-4 बातें करती हूँ डिस्कशन के लिए कि जैसे मैं पूछती हूँ कि अच्छा ये खून किस काम आता है, मतलब ये जो क्या है इसका पर्पज़ क्या है। अरे इससे खून से ना सफाई होती है, लड़कियों के शरीर की सफाई होती है जिससे कि लड़कियां शुद्ध हो जाती हैं। तो मैं कई बार पूछती हूँ तो अच्छा लड़के तो फिर अशुद्ध ही होते होंगे, उनका तो खून साफ हो ही नहीं पाता बेचारों का, कि नहीं नहीं लड़कों में तो गंदा खून होता ही नहीं है। तो मैं पूछती हूँ अच्छा ये 9 महीने जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो ये गंदा खून कहाँ जाता है? तो 9 महीने में तो लड़कियां बड़ी अपवित्र हो जाती होंगी कि 9 महीने तक गंदा खून बाहर नहीं निकला, कहाँ जाता है वो गंदा खून? तो सामने वाला सोचने पे थोड़ा सा तो सोचता ही है कहाँ गया। तो मैंने कहा मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो अल्ट्रासाउंड करके देख भी लेती हूँ कि ब्लड कहाँ जा रहा है, तो मुझे तो वो ब्लड का फ्लो भी पता है कि वो माँ से बच्चे की तरफ जा रहा है, यानी कि मुझे ये भी पता है कि जब कोई भी एम्ब्रियो आता है तो वो अपनी पहली धड़कन इसी खून से लेता है और 9 महीने इसी खून से वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो 9 महीने खून बाहर नहीं आता। तो मैं यही सोचती हूँ कि इसका मतलब सब इस गंदे खून से बड़े हुए पले हुए बड़े हैं, क्योंकि कोई आसमान से रस्सी से तो लटक के आया नहीं है, तो सब इसी खून से निकले हुए लोग हैं। तो मतलब सारी दुनिया कितनी अपवित्र है ना, कितनी अशुद्ध है, ठीक है चलो मान ही लेते हैं कि सभी अपवित्र हैं, तो फिर क्या बुरा मानना है कि हम भी अपवित्र हैं, आप भी अपवित्र हैं। तो उस तरीका कुछ भी निकाला, खाना मत बनाओ, अचार मत छुओ, ये मत करो, सर मत धो, नहाओ मत, तुलसा मत छुओ, सब्जी मत छुओ, पौधा मत छुओ, कुछ भी करके बस आपको कैसे भी एहसास करा जाए कि आप गंदी हो, अशुद्ध हो, अपवित्र हो, और आपको तो मतलब कोई हक ही नहीं बनता इस दुनिया में किसी से आँख मिला के बात करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है समय धीरे धीरे बदल रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, और आप 18 साल से जब काम कर रही हैं तो आप किस तरह के बदलाव अब सोसाइटी में देखती हैं?
मतलब मैं ये बोलूँगी कि सारा कुछ हम लोगों के करने से हो रहा है, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन, कि अब हम इतने ग्लोबलाइज हो गए कि आज एक बिहार मतलब किसी छोटे गांव में रहने वाला इंसान भी इंस्टा पे वीडियो देख लेता है, आज वो यूट्यूब देख लेता है, गलत सही जो भी है, पर कम से कम उसके दिमाग में एक बीज एक थॉट आई है कि पीरियड्स भी कुछ होते हैं। आप अगर इससे पहले वाले एरा के लोगों से बात करके देखोगे तो उनके वर्ल्ड व्यू में कहीं पीरियड्स ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, उनको खुद ये भी नहीं पता चलता कि मेरी वाइफ को कब पीरियड आते थे, मेरी माँ को, मेरी बहन को आते थे। अच्छा इतना कुछ होता है, जैसे मैं अगर 40s वाले लोगों से बात करती हूँ तो उनको लगता है अच्छा हमें तो कभी पता ही नहीं चला इतना कुछ होता है पीरियड्स में। पर अब जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज है, अब सवाल पूछने लगे। आज का बच्चा अगर 15-16 या 20 साल का बच्चा है तो उसको ये पता है कि पीरियड जैसी कोई चीज़ होती है, गलत सही तो मैं नहीं कहूँगी, पर कम से कम उसके दिमाग में एक थॉट है, वो जानता है कि कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब सवाल आते हैं तो वो जवाब भी ढूंढने की कोशिश करता है, गलत सही ढूंढ के, लेकिन एक दिन वो पहुंच जाएगा वहाँ। अब से पहले तो सवाल ही नहीं उठे, अब से पहले तो किसी के वर्ड भी में था ही नहीं। मेरे डैडी से बात करूँ उनको लगता है ऐसी भी क्या चीज़ है, मतलब आप और भी अगर आप देखोगे ना 40s के पहले वाले लोगों से बात करोगे तो उनके वर्ड व्यू में ये था ही नहीं। डॉक्टर सुरभि, एक तरफ मेंस्ट्रुएशन को लेके इतनी चुप्पी रही है समाज में और दूसरी तरफ रेप हमारे समाज में हमेशा से रहे, और आपने रेप विक्टिम के लिए भी काम किया है, तो तब क्या थॉट आता है आपके दिमाग में और क्या चीज़ रहती है कि मैं किस तरह उनको हील करूँ या क्या? पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरा ये सोचने का तरीका है, हो सकता है गलत हो सही हो, लोग मुझे गलत ठहरा सकते हैं, बट मैं कभी ना कभी ऐसा सोचती हूँ कि हमने ना रेप को जिस तरह से लड़कियों के दिमाग में भरा है और लड़कों के दिमाग में भरा है, लड़कों के दिमाग में एक तरीका है कुछ बदला लेने जैसा है जिसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमेशा नुकसान सामने वाले का ही होगा, वो इस नीयत से काम रहता है। और लड़कियों को भी इस तरह से समझाया जाता है कि अगर एक बार रेप हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं जब स्कूल्स में सेशंस लेती हूँ इंसेस्ट और रेप के बारे में तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि क्यों हम लड़कियाँ इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि ये एक एक्सीडेंट है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी हड्डी टूट सकती थी, आपके सर में चोट आ सकती थी, आपके कुछ भी और हो सकता था, लेकिन आपका हाइमन रप्चर हो गया या एक फोर्सफुल पेनिट्रेशन हो गया आपके साथ में। अगर हम किसी भी चोट के बाद, किसी भी बीमारी के बाद हील कर सकते हैं दुनिया में, हम वेंटिलेटर पे भी होते हैं और हम किसी को देखने जाते हैं 90 ईयर्स का, हमें पता है कि शायद नहीं निकलेगा, हम फिर भी कंधे पे हाथ रख के कहते हैं चिंता मत करिए सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेगा। एक 18-20 साल की लड़की जो बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, उसके साथ रेप हो गया जो पूरी तरह से ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, अब इस बेचारी का क्या होगा, कैसे जिएगी, कौन इससे शादी, मतलब उसके लिए हम होप दे के आ रहे हैं एक 90-95 ईयर्स के बंदे के लिए, और एक 18 साल की लड़की की ज़िंदगी में हम सारी होप ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा जो हमेशा पहला मैसेज होता है कि कुछ नहीं बिगड़ा है, जो जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, सोसाइटी भी सजा दे, कानून भी सजा दे, पर उसको मिलनी चाहिए। वो जो मानसिक सज़ा जो हम लड़कियों को दे रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत तरीका है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको एक बार हाथ पकड़ के बोलना चाहिए कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एक एक्सीडेंट था, हो गया, बाहर निकलते हैं ना इससे। तो जो हम अभी जो चल रहा है ना, जो अभी को रेप को लेके जो चलता है, उसमें मुझे हमेशा लगता है कि गलत इंसान को सजा मिलती है। हम ये मानते हैं कि जेल चला गया वो सजा है, वो सजा नहीं है, वो एक लड़की की जीने की होप ही खत्म कर दी, उसके जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए, सजा तो उसको दे रहे हैं ना हम लोग। इन्हें दो मोटे तौर पर हम बांट सकते हैं कि एक जो इंटेंशनली रेप करते हैं और दूसरा जो जिज्ञासा में कुछ जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। डॉक्टर सुरभि, ऐसी बहुत सारी महिलाएं अभी आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, जिनकी जर्नी शायद आप ही की तरह चैलेंजिंग रही है और वो कुछ करना चाहती हैं समाज के लिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती, बट हाँ मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना, कि किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे फिर ऐसा कर लेंगे। मुझे लगता है जिस वक्त एक ख्याल आए और जिस वक्त आपको लगता है ना कि मैं कर सकती हूँ, उस दिन उठ जाइए और निकल पड़िए बाहर। और दूसरी एक बात कि हम हमेशा ना ये सोचते हैं कि कोई शुरू करेगा या जैसे, तो मेरी एक छोटी सी टैगलाइन है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए ना, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है या आपको लगता है कुछ बदलना चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि मैं बोलूँगी, मुंह खोलूँगी, तभी ज़माना बदलेगा। अपने लिए तो खुद ही शुरू करना पड़ेगा, और जब आप ये शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे लोग आपका साथ दे देंगे। एक बार बस शुरू करिए, तो शुरुआत बोलने से ही हो सकती है, सबसे पहले, सबसे आसान तरीका है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, आप यहाँ आई और हमें इतना सारा समय दिया, आप समाज के लिए इतना काम कर रही हैं, ऐसे ही आगे काम करती रहें, हमारी शुभकामनाएं।